हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मंदार एकेडमी आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में विच इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिलिटी सो गई कंटिन्यूटी के लिए आपको कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पता होने चाहिए लिमिट्स के सो so अगर आपको ये आते हैं तो ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे देखिए लिमिट्स में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लेट्स से वेन आई से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज क्लोज टू जीरो वैल्यू ऑफ एक्स इज क्लोज टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन मैं थोड़ा और सहजता से समझाता हूं जीरो पॉइंट जीरो के करीब है तो इतना आपको पता होना चाहिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि लिमिट की सॉल्विंग कैसे करनी है गैस इस चैप्टर में हम बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को जानेंगे जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक to introduce with an academy plus so let's begin dear student i am educator on an academy for class 11th and 12th cbse bachcho aapke liye an academy plus pe humne live classes organize karke rakhi hai jahan pe aap daily live classes kar sakte hain for all the subjects मैं आप सभी को बता दूं subscription iconic format में भी available है जहां पे आपको parents connect पर्सनल मैंटर स्टडी प्लानर और वीकली रिपोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाता है रिसेंटली दो बैचेस रन हो रहे हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ रिविजन बैच वो जब आप सभी को बता दूं अन अकेडमी प्लस पे आज डाउट फीचर भी है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को क्रॉप करके उसका डाउट सोल्यूशन पा सकते हैं सो so, जरूर जरूर एनरोल करिए इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेज एज यू कैन सी दैट द ट्वेल्थ मंथ फी इज अराउंड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफ यू अप्लाई द कूपन कोड एम ए एन डी एच ए एन मंदिर है आपके सामने आईकॉनिक के लिए भी सो so गाइज आज ही एनरोल करिए और अटेंड करिए लाइव क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स मैं आपका एजुकेटर रहूंगा बाकी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे अच्छे टीचर्स आपको वहां मिल जाएंगे फर्स्ट so क्वेश्चन है हमारे सामने prove that the function f of x phi x minus three function f of x is equals to phi x minus three. So f of x is equals to phi x minus three is continued as zero minus three and five. So I, I will call it as a type one question. क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम बोलेंगे टाइप वन क्वेश्चन अगर आपको जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम चेक करते हैं लेट से एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालो मतलब जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आप जीरो रखिए माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री ठीक है। फंक्शन में हमने सबसे पहले किसकी निकाली वैल्यू एफ ऑफ जीरो की उसके बाद लिमिट ऑफ एक्स अल्टीमेटली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फॉर एक्स माइनस थ्री सिंपल सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है हम अल्जेब्रिकली वैल्यू को प्लग इन करते हैं इफ यू प्लग इन द वैल्यू 3. Therefore, I can conclude that f of 0 is equals to limit x tends to 0 for a f of x. f of 0 is equals to limit x tends to 0 f of x. Therefore, it is continuous एड एक्स इक्वल्स टू जी गई देखिए टाइप वन में क्या था एक तरफ हमने फंक्शन रखा प्योरली फंक्शन दूसरी तरफ उसी फंक्शन को लिमिट इन की सो तो गई इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि इसी को माइनस थ्री पे भी सॉल्व करी पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं सो so गईज uh, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं अभी हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री सो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आप माइनस थ्री रख दो सो अल्टीमेटली गईज ये क्या हो जाएगा फिर फाइव थ्रीजा फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन एंड देन दिस इज माइनस एटीन दिस इज अल्टीमेटली माइनस 18। दोनों सेम आ रहे हैं तो एट थ्री नेगेटिव आल्सो दीज आर कंटिन्यूस आपने देखो टाइप वन में ना आपको पता रखना है कि आपको किस तरह किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस थ्री तो गाइज आप देख पा रहे हो कि एक बनता है फंक्शन का इक्वेशन दूसरा बनता है लिमिट का इक्वेशन ऑन दैट सेट है नोट ऑफ इट फिर आगे बढ़ता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री हमको करना है फाइव से so, वही क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री तो हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू फाइव पे गई so सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं Yes सही सोचा आपने एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं मीन्स फंक्शंस की वैल्यू सो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आप फाइव रखेंगे सॉरी वी आर चेकिंग फंक्शंस एट एफ एफ ऑफ फाइव दिस इज फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी टू अच्छा अगला इक्वेशन निकालते हैं इट्स अ लिमिट्स इक्वेशन लिमिट एक्स टू फाइव फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव फाइव एक्स माइनस गाइस प्लग इन करिए और खुश रहिए फाइव फाइज़ा हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री सो बाईस आ रहा है आंसर So, as you can see that uh, f of 5 is equals to limit equation f of x. Therefore, it is continuous at x equals to 5. Khatam finish over. Please have a note of it. गैस आपने देखा हमने टाइप वन में कुछ भी नहीं किया टाइप वन में सीधा क्या था जितना भी क्वेश्चन आपको दे रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्लग इन करना है और यूजुअली जो एन के सॉल्यूशन है ना उसमें प्लग इन ही करना है देखो एग्जामिन ये वर्ड है एग्जामिन करो डिटरमाइन करो सर्च करो फाइंड करो और क्या है चेक करो तो ये सारे कंटिन्यूटी के लिए वर्ड यूज़ होते हैं और देखो एक चीज मैं आप नॉलेज दे दूं सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस ही होते हैं जैसे पॉलिनोमियल था ठीक है या क्वाड्रेटिक था या लीनियर था ये सारे कंटिन्यूस ही होते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री पे चेक करना है देखो इक्वेशन क्या था टू एक्स स्क्वाइनस वन एट एक्स इक्वल टू थ्री गाइज ये एफ ऑफ थ्री इधर आ जाएगा जिधर जिधर एक्स है उधर उधर थ्री लिखेंगे सेवनटीन ठीक है अब इसको इसी इक्वेशन को यही जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन इसी को आप लिमिट के फॉर्म में लिखिए कुछ भी हम लोग नया नहीं कर रहे हैं सो so बेसिकली हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस इज इक्वल्स टू लिमिट टू एक्सर गई थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू एटीन माइनस वन सेवनटीन वही होता है सो आई कैन सी दैट I can purely say that I can purely say that f of three is equals to limit extends to f of x. Therefore, it is continuous. X to, तो आपने देखा कुछ भी नहीं करना है एक इक्वेशन फंक्शन का ले लीजिए एक इक्वेशन लिमिट का ले लीजिए दोनों बराबर आते हैं तो कंटिन्यूस अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज आप इसे थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन के साथ सॉल्व करिए सेम इक्वेशन आप एक्स इक्वल्स टू फोर पे करिए x इक्वल्स टू माइनस वन पे करिए x इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू पे करिए देखिए कितनी वैल्यू चार पे करो नेगेटिव वन पे करो और हाफ पे करो ये सेम ही आना है क्योंकि देखो जो भी फंक्शन ख्याल से सुनिए जो भी फंक्शन क्वाड्रेटिक हो लीनियर हो इन शॉर्ट वाले हो वो सारे कंटीन्यूस ही होते हैं तो आप चार पे माइनस वन पे एंड हाफ पे प्लीज़ एक बार ही चेक करके देखिए क्या आता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि सारे अल्जैब्रे कंटिन्यूस होते हैं सो so, सारे मतलब डिनोमिनेटर एग्जिस्ट ना करे क्योंकि डिनोमिनेटर आ तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट फिर आगे बढ़ते हैं